हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किचन स्कूप, जहां पर मैं और आप मिलकर बनाएंगे टेस्टी डिशेस और शेयर करेंगे हमारी कुकिंग जर्नी। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं तीन तरह का चिकन टिक्का। दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का घर पे बनाने वाले हैं तवे पे, बिना ओवन या फिर तंदूर का इस्तेमाल किए। तो फिर चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम तीन तरह का चिकन टिक्का बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं हरियाली टिक्का, फिर मलाई टिक्का और मसाला चिकन टिक्का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन थाई बोनलेस पीसेस लिए हैं। मैंने इसे यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सारी कॉमन चीज़ें हैं वो मिक्स कर लेंगे, फिर इसे हम सेपरेट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो दोस्तों, जब भी आप चिकन टिक्का बना रहे हैं तो आप इसमें हमेशा थाई बोनलेस पीसेस का ही इस्तेमाल करें, इससे आपका जो टिक्का है वो काफी जूसी और टेंडर बनता है। तो अब इसे हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर हरियाली टिक्का बनाने के लिए हमें ग्रीन चटनी की जरूरत है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार में हम डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च, फिर इसमें जाएगा 5 से 6 लहसुन की कलियां और एक छोटा अदरक का टुकड़ा। अब इसके अंदर जाएगा 1 कप पुदीने का पत्ता और 1 कप धनिया पत्ता। मैं इस सेम चटनी को हरियाली टिक्का के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ और जो ग्रीन चटनी सर्व होती है टिक्का के साथ उसके लिए भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 पोर्शन चिकन लिया है जिसमें हम डालेंगे प्रिपेयर किया हुआ ग्रीन चटनी। तो मैंने करीब आधा चटनी इसमें यूज किया है और आधा मैंने रखा है चटनी के लिए। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके ऊपर एक क्लिंग रैप लगाकर इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो आप एक नॉर्मल प्लेट इसके ऊपर डाल के इसे कवर करके रख सकते हैं। तो अब चलिए मलाई टिक्का का प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मेयोनीज, फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा चीज। चीज यहाँ पर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको चीज खाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चीज डालने से मलाई टिक्का में काफी एक यूनिक सा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा क्रश किया हुआ पेपर, आप इसमें पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी कवर करके मैरिनेट होने के लिए साइड में रख लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जो आखिरी पोर्शन है चिकन का, उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसके अंदर जाएगा 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टिक्का है वो मैरिनेशन के लिए रेडी हो चुका है। अब इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, जब भी हम चिकन टिक्का बनाते हैं उसका मैरिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप जितना ज़्यादा देर मैरिनेट करेंगे उतना अच्छे से ये मसाले को अपने अंदर सोक करेगा, और जब आप इसे बनाएंगे इसमें से मसाले का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छे से आएगा। तो ये देखिए 2 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है। इसके ऊपर हमने जो क्लिंग रैप लगाया था उसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ स्क्यूअर्स लेंगे और इसमें एक एक करके चिकन को अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मलाई टिक्का को अरेंज कर रही हूँ, उसके बाद हम हरियाली टिक्का और मसाला टिक्का को भी इसी तरह से अरेंज कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमारा टिक्का फ्राई करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे फ्राई करने के लिए पैन गरम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा पैन गरम हो चुका है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लेंगे। अगर आपको बटर खाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसके बदले यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये चिकन हर तरफ से अच्छे से पक ना जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इसे बीच बीच में हमें इस तरह से टर्न करते रहना है और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे जो हम बटर ग्रीस कर रहे हैं ये हमारे टिक्का का जो फ्लेवर है उसको एक लेवल ऊपर ले जाता है। तो आप कोशिश करें, अगर आप बटर खाते हैं तो आप बटर से ही इसे बनाएं, जिससे कि इसका फ्लेवर डबल एनहांस होकर आए। तो अब हमारा टिक्का बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कर ले, इससे हमारे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।